नमस्कार दोस्तों, दीपंस डेलिकेसी का और एक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉको फिल्ड कुकीज। ये डिश पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो पहले हम फिलिंग को तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में हाफ कप चॉकलेट लेंगे और साथ में उस पर एक चम्मच पानी डाल के उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट और डेयरी मिल्क दोनों को क्रश करके यूज़ किया है। चॉकलेट मेल्ट हो जाने के बाद हम उसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे। फिर हम हाफ कप शक्कर को एक मिक्सर में डाल के पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट हम चॉकलेट को फ्रिज से निकाल लेंगे। अब देख सकते हो चॉकलेट सेट हो गया है। अभी हम इस तरह से उसे हाथों से घुमा के राउंडल्स बना लेंगे। नेक्स्ट हम एक बोल में हाफ कप घी लेंगे और उसे अच्छे से व्हिप करेंगे। फिर उसमें आधा कप पाउडर शक्कर डालेंगे और फिर से व्हिप करेंगे। ध्यान रखिए कोई लम्प्स नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम हाफ कप मैदा ऐड करेंगे और एक डो बना लेंगे। डो बन चुका है, अभी हम इसे 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अभी हमारा डो और राउंडल्स दोनों तैयार है। अभी हम ओवन के लिए एक ट्रे में बटर पेपर डाल देंगे। उसके बाद डो का एक छोटा पोर्शन लेंगे और उसके बीच में राउंडल्स भरेंगे। फिर राउंडल को चारों ओर से डो से कवर कर लेंगे और हाथों से ऐसे एक कुकी का शेप देंगे। आप देख सकते हो हमने एक कुकी बना लिया है। ऐसे ही हम बाकी को भी कुकी का शेप देके ट्रे में प्लेस करते रहेंगे। अब हम इन सारे कुकीज को ओवन में डाल देंगे 10 मिनट के लिए 350 डिग्री फारेनहाइट में। बन गया आपका यम्मी चॉको फिल्ड कुकीज। टी टाइम का एक मस्त स्नैक है, घर में बनाइए और मजे लीजिए। इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए आप इसे चॉकलेट सॉस से गार्निश भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक भी बोलो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे।